दो दशक पहले के बीमारू मध्य प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दृढ़ संकल्पों ने आज स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधा के क्षेत्र में नंबर वन बना दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, अस्पताल की व्यवस्थाओं के क्षेत्र में भी हम नंबर वन बनेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार लोगों को नई नई सौगातें दी जा रही हैं, जहां मध्य प्रदेश में वर्ष 2002-03 में स्वास्थ्य बजट मात्र 578 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में लगभग 20 गुना बढ़कर 11,988 करोड़ रुपए हो गया है। 2003 में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या लगभग 7500 थी, जो आज बढ़कर 51,000 से अधिक है। वर्ष 2003 तक प्रदेश में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 5 थी, जो निकट भविष्य में बढ़कर 31 हो जाएंगी। वर्ष 2014 तक प्रदेश में MBBS की 720 सीटें उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 2205 हो चुकी है। कुल 31 मेडिकल कॉलेज हो जाने से इनकी संख्या बढ़कर 4,000 से अधिक हो जाएंगी। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रारंभ किए गए हैं। जबलपुर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन और इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में विभाग के अधीन संचालित अस्पतालों में लगभग 13,500 बिस्तरों की क्षमता है। प्रदेश में 24 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं एवं नवीन 305 संकाय सदस्यों के पद स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ हो चुकी है। छात्रों को पुस्तकों का वितरण निशुल्क किया गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज यहां गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से संबंधित हमीदिया अस्पताल में विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें एक ही छत के नीचे मरीजों को बड़े निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित सेंट्रल क्लिनिकल लैब है। सर्व सुविधा युक्त राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप ब्लड बैंक की सुविधा भी सभी मरीजों के लिए उपलब्ध है। चिकित्सालय में 240 ICU बेड और गंभीर बीमार नवजात शिशुओं के इलाज के लिए SNCU की व्यवस्था है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस 19 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। शिक्षण कार्य के लिए 350 क्षमता का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाया गया है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक सीटें 150 से बढ़कर 250 और स्नातकोत्तर सीटें 112 से बढ़कर 247 प्रतिवर्ष हो गई है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में चिकित्सकों की कमी नहीं होगी। निशुल्क दवाएं, जांचें, एम्बुलेंस सेवाएं, डायलिसिस सेवाएं, MRI, सिटी स्कैन जैसी सुविधाओं ने प्रदेश के नागरिकों के मन में सरकार के प्रति एक अटल विश्वास जगा दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के 708.65 करोड़ के लोकार्पण और 17.752 करोड़ के लोकार्पण किए जा रहे हैं। इनमें 2000 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण कार्य, नवीन OPD भवन का निर्माण, नर्सिंग कॉलेज एवं हॉस्टल तथा OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर निर्माण कार्य शामिल है।